हाय, कैसे हो आप सब? पहचाना मुझे? मैं हूँ विवेक। अच्छा, हम सब के दोस्तों के ग्रुप में चार दोस्तों का ग्रुप जरूर होता है, और इनमें से एक ज्ञानी, एक सबसे बड़ा मसीहा, एक लड़कियों से दूर रहने वाला और एक सबसे बड़ा हरामी। जब भी हम साथ होते हैं तो सच कहूँ तो जिंदगी की परवाह ही नहीं होती यार। सारी टेंशन खत्म, बस दुनिया भर की बकायती कर लो साथ में, उसी में मजा आ जाता है। हम चारों में से एक इंसान की हर वक्त बेइज्जती होनी है, उसको जब तक सब गाली नहीं दे देते दे, तब तक सबकी अटेंडेंस नहीं लगती, क्योंकि हम चारों साथ हैं ये पता कैसे चलेगा। एक इनमें से हर वक्त मेकअप में रहता है, उसके चेहरे पर थोड़ा बहुत पाउडर तो लगा ही होता है। किसी लड़की को देखकर हम में से चाहे कोई पलटे या ना पलटे, लेकिन वो हरामी जरूर पलट कर देखता है। उसको ना प्ले बॉय कहना चाहिए, पर नहीं कह सकते ना, है तो हमारा दोस्त ही। और एक ऐसा कि चाय तो ऑर्डर कर देगा, मगर सबसे लास्ट में चाय खत्म करेगा, ताकि जो पहले खत्म किया हो वही पैसा दे, क्योंकि उसे तो पैसा बचाना है। उसको कंजूस भी कह सकते, लेकिन नहीं कह सकते, है तो हमारा दोस्त ना। बट ऐसा नहीं है, हर कोई पैसे खर्च करता है। चलो ये हो गई मजाक की बात, पैसे तो मैं ही खर्च करता हूँ। अगर मेरे दोस्तों तुम सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक हमेशा दुखी आत्मा, उसको उसकी पहली मोहब्बत की याद ही आती रहती है, हमेशा गम में डूबा रहता है, शायरी बोलता रहता है और फिल्मी लाइन्स और फिल्मों के गाने के लिरिक्स समझाया करता है, जैसे कि हमें तो समझ ही नहीं आता। बट जैसे भी हैं, हम सब एक दूसरे की जान हैं, कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो चारों साथ ही दिखाई देते हैं। बस यही कहना है कि ये दोस्ती हमेशा सलामत रहे, बस ये कोरोना खत्म हो जाने दो, फिर से वहीं चलेंगे अपने पुराने अंदाज में, उस चाय की टपरी पर रोज रात को चाय पीने, वही अपने पुराने अड्डे पर। जिंदगी में बहुत अनमोल होते हैं दोस्त, इन्हीं की वजह से जिंदगी उलझनों से ज्यादा सुलझी हुई है। ये है तो टेंशन नहीं है, जो ये नहीं तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस। कभी कहा नहीं कमीनों, पर लव यू मेरी जान, तुम सबके बिना जिंदगी अधूरी सी है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मेरे साथ जरूर रहना, मर जाऊंगा तो भी मेरे साथ आ जाना। लव यू यारो। अगर आपके दोस्तों का ग्रुप भी ऐसा है तो उनके साथ जरूर शेयर करना। चलो मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए